नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 8 Pro 5G versus Samsung Galaxy M52 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 6.35 इंच जबकि Galaxy M52 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में 2.92 इंच जबकि Galaxy M52 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 8 Pro 5G में 183 ग्राम्स जबकि Galaxy M52 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में AMOLED जबकि Galaxy M52 5G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Reno 8 Pro 5G में 20:1:9 जबकि Galaxy M52 5G में 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 8 Pro 5G में 1080x2412 और Galaxy M52 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 8 Pro 5G में 90.61% जबकि Galaxy M52 5G में 86.39% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 8 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy M52 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Reno 8 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy M52 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 8 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy M52 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में Mali G610MC6 जबकि Galaxy M52 5G में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8100 Max और Galaxy M52 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 8 Pro 5G में 12GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M52 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 8 Pro 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M52 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में नहीं है जबकि Galaxy M52 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Reno 8 Pro 5G में Android V12 जबकि Galaxy M52 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Reno 8 Pro 5G में 4500mAh जबकि Galaxy M52 5G में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रीनो 8 प्रो 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 4599 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी M52 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 25999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो रीनो 8 प्रो 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी M52 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M52 5G आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी M52 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में रीनो 8 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा वीवो IQ7 है, तीसरा वीवो X60 Pro Plus है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।